दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ एडवाइज। दोस्तों आज हम गुर्दे की पथरी के 10 ऐसे रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षित हैं, जो आजमाए हुए हैं। इनमें से आप किसी भी एक का इस्तेमाल कीजिए और गुर्दे की पथरी को सदा के लिए बाय बाय कह दीजिए। यूरिनरी सिस्टम में आपको कहीं भी पथरी होगी वो गलकर बाहर निकल जाएगी। और दोस्तों सभी के सभी नुस्खे आजमाए हुए हैं, परीक्षित हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपने इन 10 नुस्खों के बारे में। दोस्तों बात करते हैं पहले नुस्खे के बारे में। आपने दो भुट्टे लेने हैं जिनको छल्ली भी कहते हैं, उनके छिलके उतार लें, उनके बालों को ले लें और 2 गिलास पानी में उनको डालकर ये पानी को उबालें। जब उबलते उबलते 1 गिलास पानी का रह जाए तब इसको छान लें और ठंडा कर लें। 1 गिलास ये सुबह और शाम को आपने खाना खाने से 1 घंटा पहले पीना है। दोस्तों आप ये 10 से 15 दिन प्रयोग करें, आपको कैसी भी स्टोन होगी, चाहे वो सिंगल है या मल्टीपल है, पेशाब के रास्ते गलकर बाहर निकल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं दूसरे फार्मूले के बारे में। दोस्तों आपने क्या करना है, 1 कप पानी का लेना है और उसमें 10 तुलसी के पत्ते आपने डालने हैं और इसको उबालने के लिए रख देना है। और जब ये उबलते उबलते आधा कप रह जाए तब आपने इसको उतार लेना है। जब ये हल्का गर्म रह जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच शहद का आपने डाल लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स करके ये आपकी दवाई पथरी की तैयार हो गई है। दोस्तों आपने इस आधे कप दवाई को आपने सुबह शाम आपने लेना है खाना खाने से 1 घंटा पहले। और दोस्तों 10 से 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है, कैसी भी पथरी होगी आपकी गलकर बाहर निकल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं तीसरे फार्मूले के बारे में। दोस्तों पत्थर चट्टे का जो पौधा होता है उसके 2 पत्ते लें, उनको हल्का सा कूट कर 1 गिलास पानी में उनको उबाल लें और जब ये पानी आधा रह जाए तब इसको छान कर ठंडा कर लें। इस पानी को हमने सुबह शाम लेना है और 10 से 15 दिन या 20 दिन ज़्यादा ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। ये आपको सिंगल होगी या मल्टीपल स्टोन होगी, कैसे भी होगी, वो सब बाहर निकल जाएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी रामबाण औषधि है और कैसी भी पथरी होगी आपकी गलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अब चौथे उपाय के बारे में। दोस्तों 1/2 किलो कागजी नींबू लें, उसका रस निकाल लें और 1 बोतल में रख लें। दोस्तों 10 से 15 कोड़ियाँ लें जो आपको आसानी से पंसारी बाजार से, पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। दोस्तों उन कोड़ियों को आपने इस नींबू के रस में डाल देना है और 24 घंटे के लिए रख देना है। दोस्तों 24 घंटे के बाद ये कोड़ियाँ इसमें मिक्स हो जाएंगी। दोस्तों ये दवाई आपके लिए बनकर तैयार है। तो दोस्तों लेनी कैसे है, 1-1 चम्मच आपने सुबह शाम आप इसका लेना है खाना खाने से 1 घंटा पहले। और दोस्तों कैसे भी पथरी होगी ये पथरी के लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों बात करते हैं पांचवें नुस्खे के बारे में। आपने एक पका हुआ बिजोरा नींबू लेना है और आपने उसका रस निकाल लेना है। ये जो बिजोरा नींबू होता है ये संतरे के आकार का होता है। जितना आप इसका रस निकालेंगे उतना ही आपने इसके अंदर पानी मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा काला नमक डालकर आपने सुबह शाम इसको लेना है। और ये 20 से 30 दिन तक लगातार जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो गुर्दे की पथरी कैसी भी होगी दोस्तों ये गलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं छठे उपाय के बारे में। 50 ग्राम कुल्थी की दाल लें और इसको 1 गिलास पानी में उबाल लें। दोस्तों जब ये उबलते उबलते आधा रह जाए यानी 1/2 गिलास पानी का रह जाए तब इसको ठंडा कर लें और छान लें। दोस्तों इसको सुबह शाम हमने पीना है और 15 से 20 दिन अगर आप लगातार पी लेंगे तो कैसी भी पथरी होगी गुर्दे की पथरी के लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों बात करते हैं सातवें नुस्खे के बारे में। वरुण की छाल और गोखरू बराबर मात्रा में लेकर आप ये बारीक पीस लें और इन दोनों का 1/4 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। और जब ये पानी उबल कर 1/4 हिस्सा रह जाए तब इसको ठंडा कर लें और छान लें। दोस्तों ये सुबह शाम आपने खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है और ये जैसे ही आप 15-20 दिन तक इसको प्रयोग करेंगे तो पथरी जड़ से समूल नष्ट हो जाएगी। दोस्तों ये पथरी के लिए बहुत ही अचूक नुस्खा है। दोस्तों अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी के 8वें अचूक नुस्खे के बारे में। आपने क्या करना है, मूली का रस लेना है, सोयमल और जव अक्षार लेना है। दोस्तों आपने 1 ग्राम का 1/4 हिस्सा दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके सुबह खाली पेट आपने लेना है और 15 से 20 दिन ये लगातार जैसे ही आप लेंगे तो गुर्दे की पथरी आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं 9वें अचूक नुस्खे के बारे में जो गुर्दे की पथरी के रामबाण नुस्खा है। आपने कलमी सोरल लेना है 100 ग्राम और काली मिर्च लेनी है आपने 20 ग्राम। दोस्तों दोनों को आपने बारीक पीस लेना है और सुबह शाम आपने 1/2 चम्मच लेना है खाना खाने के 1 घंटा बाद। इसको आप लस्सी के साथ भी ले सकते हैं या फिर दही में मिलाकर भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये भी रामबाण नुस्खा है गुर्दे की पथरी के लिए।
दोस्तों बात करते हैं गुर्दे की पथरी के आखिरी अचूक नुस्खे के बारे में। दोस्तों एक कप गाजर का रस लें, एक कप चुकंदर का रस लें और एक कप खीरे का रस लें। इनमें थोड़ा सा काला नमक मिला लें और सभी को अच्छी तरह मिक्स करके सुबह खाली पेट आप लें। दोस्तों ये लगातार एक महीना आपने प्रयोग करना है और देखते ही देखते आपकी पथरी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 अचूक नुस्खे। दोस्तों ये एक से एक बढ़कर नुस्खे हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी के सभी परीक्षित नुस्खे हैं, ये सभी के सभी बहुत अच्छा काम करेंगे। दोस्तों आपकी कैसी भी पथरी होगी, चाहे वो आपकी किडनी स्टोन है, चाहे आपके ब्लैडर में स्टोन है यानी कि मूत्राशय की पथरी है, चाहे आपकी मूत्र नलिकाओं की पथरी है या फिर गुर्दे की पथरी है, ये कहीं की भी पथरी होगी, चाहे आपको सिंगल स्टोन है या मल्टीपल स्टोन है, दोस्तों किसी भी एक फार्मूले को आप लगातार प्रयोग करेंगे तो ये पथरी आपकी गलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।